आज फिर से आप लोगों का एवरेज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वहां पर हमको गौर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का औसत जो है कितना होगा। तो यहाँ देखिए 76 है, 48 है, 84 है, 66 है, 70 है और 64 है। इसमें कोई सीरीज नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि टोटल को ऐड करना पड़ेगा। ये टोटल को ऐड करने के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स संख्या, सिक्स से मुझे डिवाइड करना होगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 76 है, 64 है, 70 है, 66 है, 84 है, 48 है। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो इन सबको ऐड करने के बाद मुझे कितना आ जाएगा, 408, 408। और टोटल संख्या कितना है, 6 है। तो 6 से 408 में भाग देंगे कितना आएगा, 68। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, 68, ये आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांक क्या, यानी कि 1 to, यानी कि 1 to 100 है ना, 1 to 100, 1 से 100 तक, 100 से 100 तक धन पूर्णांक है ना, 1 to 100, 1 से 100 तक की जो होगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर जितनी संख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ कि सेकेंड नंबर का जो सोल्यूशन है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर में यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब भाई टोटल संख्या है ना, तो इन सब को ऐड करने का तरीका है कि मैंने एक बताया था फर्स्ट क्लास में कि अगर ये गिनती की संख्या हो और रेगुलर हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उच्च संख्या लेते हैं तो निम्न संख्या, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। यहाँ उच्च संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 1 है, क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 101/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, 50.5, ये इसका औसत हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर, देखिए थर्ड नंबर क्या कहा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ अभाज्य संख्या लिखिए क्या क्या है, 9 अभाज्य संख्या, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगी और 23। देखिए अब इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद फिर जितनी संख्या है, कितने 7 है, तो 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि सब कॉमा है, देखिए ये सब कॉमा, ठीक है। तो अगर देखिए सम संख्या और विषम संख्या रहता है तो
वहां पे एक गैपिंग का जो होता है, ठीक है, दो का तीन का गैपिंग जो भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आवाह संख्या है तो मुझे ऐड करना ही होगा, ठीक है। तो ऐड करने का, टोटल को ऐड करेंगे, तो टोटल को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 100 आ जाता है। कितना आता है, यानी कि सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। जोड़ने के बाद भी टोटल संख्या से भाग देंगे, कितना आएगा, 100 बाई कितना, 7, 7 है ना, सॉरी 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 आवाह संख्या ना, तो 100 से 9 में भाग देंगे कितना आएगा, 11.11 1/9, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 11.11 1/9। इसका ये हो गया और इसका ये। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चार नंबर, चार नंबर क्या है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, ठीक है। तो समप्राकृत संख्या चार नंबर, देखिए चार नंबर का सॉल्यूशन, 10 समप्राकृत संख्या हो जाएगा, जैसे दो के, दो से चलिए, 2 4 6 8 10 है ना, उसी तरीके से जाइएगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा, 20 तक पहुंच जाएगा। सिंपल सी फंडा है, कि उस संख्या प्लस निम्न संख्या बाई 2, तो क्या कर देना है, तो 20 प्लस 2 बाई 2, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 11 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ 11 पे टिक कर देते हैं। स्वाति भाई 5 में आइए, कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 100 से कम विषम संख्या, देखिए यहाँ पे एक बात याद देखिएगा, विषम संख्या में कितना गैप होता है और सम संख्या में दो का ही अंतर होता है, दो का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे जब भी देखते हैं तो वो दो का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उस संख्या बाय निम्न संख्या, जैसे 1 हमारा क्या हो गया, ठीक है, निम्न संख्या गया, जब भी 100 से कम अगर विषम संख्या आएगा तो 99 होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, 99 प्लस 1 बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा मेरा। चलिए यहाँ 50 हो गया, खुद से कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ ये 5 नंबर फिर से बता दीजिए, ठीक है, खुद से बना कोशिश कीजिएगा। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या है, 50 तक के सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 तक का सम संख्या है, ठीक है, तो उसको देखते हैं, 2 से 50 चले जाएगी, यानी कि 2 से 50 चले जाएगा, उस संख्या प्लस निम्न संख्या बाय 2, यानी कि 50 प्लस 2 है ना, 52 हो गया, बाय 2 कितना जाएगा, 26, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका 26। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, फिर है आगे देखते हैं, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैंने यहाँ बता दिया है कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए 7, सॉरी हाँ 7 हो गया 6 तक। चलिए 7 में क्या है, 7 कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 यानी 3 के प्रथम 5 गुणज अगर चलते हैं यहाँ से 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 6 9 12 15 कितना, 5 हो गया ना, ठीक है। अब इनका जो है क्या करना है, औसत निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या कीजिएगा, उच्च संख्या, यहाँ देखो डिफरेंस क्या है, लगभग लगभग सबका सेम है, 3-3 का डिफरेंस है, ठीक है, सबका सेम, क्या करना, उच्च संख्या प्लस निम्न संख्या बाय 2, यानी कि 15 प्लस 3 कितना हो गया, 15 प्लस 3 बाय 2 यानी कि 18 यानी इक्वल टू 9, इसका 9 आंसर, इसका बी हो गया आंसर, ठीक है। फिर आइए 8 नंबर में आ जाइए, 8 नंबर क्या है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग का औसत, प्राकृत संख्या 1 टू 10 उनका वर्ग करना है,
तो जानते ना प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग इक्वल टू क्या होता है, है ना, एन इंटू एन प्लस वन, है ना, एन इंटू एन प्लस वन, और क्या होता है टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन एन होता है, वेयर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन। यहाँ क्या करेंगे बोलिए, टेन मल्टी टेन हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा एलेवन हो जाएगा, सॉरी अब बाई सिक्स, यहाँ सिक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा बाई सिक्स। चलिए तीन दूनी छः और दो पचे दस, यहाँ कितना कटेगा सात या इक्कीस सेवन, देखिए आया क्या होगा ग्यारह पचे पचपन और गुना सात, पचपन गुना सात या ऐसे भी करते पैंतीस मल्टीप्लाई बाय अठारह इलेवन आसानी से आ जाएगा थ्री एट फाइव, है ना, कितना आ जाएगा थ्री एट फाइव, ये टोटल सम आ गया थ्री एट फाइव, और टोटल संख्या कितनी है टोटल कितना है टेन है, तो बाई क्या कर देंगे टेन कर देंगे, इसका औसत एवरेज इज इक्वल टू ये एवरेज निकालना, ठीक है, तो एवरेज निकालना इतना हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टी एट पॉइंट फाइव, ये हमारा आंसर। नौ नंबर देख लेते हैं, नौ नंबर में क्या ट्वेंटी फाइव ए प्लस ट्वेंटी फाइव बी, है ना, ट्वेंटी फाइव ए प्लस ट्वेंटी फाइव बी इज इक्वल टू वन वन फाइव, तो ए और बी का औसत निकालना है, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा वन वन फाइव, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन वन फाइव बाई टू। अरे भाई औसत निकालना है ना, सॉरी ट्वेंटी फाइव औसत निकालना है ना, क्या करेंगे ये ए और बी कितनी संख्या है दो ना, तो नीचे दो से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नीचे क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है, तो अब यहाँ काटते हैं तो ये कटेगा ते पचे पंद्रह से और पाँच पचे पच्चीस ट्वेंटी थ्री बाई फाइव, कितना आ गया ट्वेंटी थ्री बाई टेन यानी कि टू पॉइंट थ्री, इसका औसत यही हो गया टू पॉइंट और टू पॉइंट थ्री, यानी कि इसमें आंसर नहीं हुई इनमें से कोई नहीं। और अगर एट की बात करते हैं तो थर्टी एट पॉइंट फाइव यानी कि डी हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है टेन नंबर दस नंबर, देखिए दस नंबर में क्या है कि पांच संख्याओं का औसत दस है, भाई पांच संख्याओं का औसत दस है और कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि औसत बारह हो जाए, इसमें से जो छठी संख्या होगी वो क्या जोड़ें कि बारह हो जाए, भाई सम टोटल इज इक्वल टू क्या होता है औसत मल्टीप्लाइड बाई संख्या, है ना, हम लोग फार्मूला से जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अगर फाइव संख्या है तो एक संख्या जुड़ रही है तो टोटल संख्या कितना हो जाएगी सिक्स हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, तो इसका औसत कितना हो जाएगा बारह, तो बारह छः बहत्तर, तो टोटल सम टोटल क्या हो जाएगा सम टोटल, यहाँ क्या ये एवरेज और ये क्या है नंबर, ठीक है, तो सेवेंटी सिक्स फिर लीजिए यहाँ ये पांच संख्याओं का औसत कितना है दस, तो नंबर कितना फाइव और एवरेज कितना टेन, कितना हो गया फिफ्टी, डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स, कितना ट्वेंटी सिक्स। चलिए तो जो हमारा जो छठी संख्या होगी कितना हो जाएगी ट्वेंटी सिक्स, जो एक संख्या जो जुड़ा उसकी वो कितना ट्वेंटी सिक्स, यानी ट्वेंटी सिक्स जोड़ेंगे तो हमारा जो भी एक मिनट सेवेंटी टू टू सॉरी यहाँ यहाँ सेवेंटी टू होगा और यहाँ ट्वेंटी टू हो जाएगी, ठीक है, ये
सी आंसर होगा। ठीक है, इलेवन में आते हैं। इलेवन में क्या कर रहे हैं कि सात क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सात क्रमागत संख्या लेते हैं, पहले एक्स लेते हैं, एक्स प्लस वन क्रमागत है, ठीक है, फिर क्या करेंगे एक्स प्लस टू, फिर क्या करेंगे एक्स प्लस थ्री, सेवन कितना हुआ अभी, चार हुआ है, थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सिक्स, सेवन हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ये सात सात क्रमागत संख्या हो गया। अब इसका औसत निकालना, मैंने बताया है जब भी हमको औसत निकालना हो और उसका क्रम दिया हुआ हो, है ना, तो क्या करते हैं निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या बाय टू कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स बाय टू, यही ना, यही ना, ठीक है। और कितना दिए हुए औसत कितना दिए हुए, 33 होगा, है ना, इसका औसत कितना दिए हुए 33 दिए, चलिए ठीक है, ये 2x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 2, तीन दोनों छः, तीन दोनों छः, ठीक है, सॉरी, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 माइनस 6 60 बाय 2 कितना 30, 30 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6, तो एक सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, x प्लस 6 है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा x 30, 30 और 6 36, 36 हो जाएगा आंसर। इसका और है m2, तो औसत इसका देखना है ना, सात है ना, मिडिल का ले लीजिए x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 इसका एवरेज कितना है 33, तो x इज इक्वल टू कितना 30, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x प्लस 6 ना, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख देंगे, बड़ी संख्या कितना 36, ठीक है। यहाँ अब 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट में, कि चार क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। अब एक क्रमागत है लेकिन सम संख्या है, तो सबसे पहले एक मान लें x क्या है, एक सम संख्या है, उसके बाद फिर चले जाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम संख्या ना, x प्लस टू, टू जुड़ जाएगा, फिर क्या x प्लस फोर, फिर क्या x प्लस सिक्स, ये चार क्रमागत सम संख्या हो गई। फिर चले जाइए उसी तरीके से करेंगे, x प्लस सिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 है, ठीक है, अब बाय टू हो जाएगा, तो 27 मल्टीप्लाई बाय टू माइनस सिक्स कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 24 निकल जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस सिक्स है, तो क्या करेंगे 24 प्लस सिक्स कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर 30 आ जाएगी, ठीक है। 12 का देख लीजिएगा खुद से, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, सर नहीं फिर से बता दीजिए, इतना नंबर क्वेश्चन मैं बता दूंगा। और एक बात और, अगर आपको वाकई में पसंद आता है, ठीक है, कि नहीं आपको बताने का तरीका अच्छी है, तो आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू।